है। सर आज तो इधर गई थी। कितनी देर के लिए गई इधर तो भैया? सर सुबह से गई थी, अभी अभी आई सिर्फ, तो अरे बोर्ड इसीलिए के मैंने एग्जाम, क्लास भी, मेरे को 26 को ज्वाइन हो, वरना मैं 20 को ज्वाइन हो जाता हूँ। राशि अभी चालू हुआ। अरे मैं कॉल पे था ना। ठीक है सर, तो बेटा पहले डीडीएम डिस्कस करें या फिर आगे बढ़ें 7.2 सर पे? डीडीएम डिस्कस कर ले। ये करना है करेंगे, डीडीएम कर लो बेटा, पीएनसी में बोर्ड में कॉन्फिडेंस आ जाना। चाहिए क्या नहीं चाहिए? चाहिए। जनरली क्या होता है बेटा, पीएनसी में लुढ़कता है, मार आशिक कहाँ पे खाता है। हर्ष ट्राई किए बेटा इसके पीएनसी के? हाँ नहीं सर, खुल भाई, सुबह उठा भी नहीं ना? गए ना, आज नहीं। मैं तेरे भरोसे रह गया, देखा अरे है। आपने कल बोला नहीं, इसलिए मुझे लगा नहीं है, तो पर मैं सोचा एक दिन में भी ब्रेक ले लेता हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे लगा कि हर्ष, फिर मुझे लगा कि आज वो भी नोट चल, मैं भी सो ही जाता हूँ। तो 7:30 को उठना चाहिए, अच्छा टाइम। बेटा पता क्या होता है, मैंने एक करके देखा था, मैंने अभी क्या है, थोड़े जैसे मैं अभी क्लास अच्छी नींद नहीं पूरी करूंगा ना, तो मैं क्लास में थका थका लगता हूँ, फिर ऐसा लगता है कि बच्चों को बिना मन के पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो मुझे लगता है कि एक रेस्ट मिल रहा है माइंड को, तो वो अच्छे से ले लेता हूँ। उसके बाद तो क्या, पूरे दिन में तो कभी सोना नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे क्लास में पढ़ाता हूँ, जिस दिन मैं नींद नहीं पूरी करूँ, हाँ बेटा करें, हाँ बेटा उस दिन मूड नेक्स्ट। भी खराब होता है। नहीं मूड तो बेटा, उसकी मुझे भी फैक्टर सर अलग ऐसे। अलग है, उसके लिए फैक्टर क्या है, किसी ने फीस में डिस्काउंट मांग लिया तब मेरा मूड खराब हो जाता है, या किसी ने बोल दिया कि आप बोर्ड का अलग सिलेबस का काम, ऐसा लगता है कि हार्डवर्क करने के बाद भी अप्रिशिएशन तो नहीं मिल रहा, लेकिन और हाँ कुछ सर ऐसा नहीं। लगता है। फिर वो बहुत गुस्सा आता है कि क्या कर रहे हैं। वो जब सबसे ज्यादा सनकती कब है, फीस डिस्काउंट में। फिर तो मैंने नया सोच रखा है, एक कल अगले साल देगा वो रखेंगे गुल्लक, जिसको जो पैसा डालें डालते जाओ। नो प्रॉफिट चैरिटी, और जितने देने हैं दो। ऐसा लगता है सही में, इसमें ना मेरे को आंसर, मैं ना मेरे को ना नहीं बोलने आती, अदरवाइज कुछ तो खड़ूस होते हैं जैसे कि नहीं 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 होगा चलेगा, अब मैं हाँ भी नहीं बोल सकता और ना भी नहीं बोल सकता, और उनको लगता है कि मेरे हाथ में गुड फीस डिस्काउंट आफ्टरनून करना, सर। और फिर मेरे पास लास्ट में बात आती है, सबसे बड़ा टेंशन का काम वही होता है, फीस डिस्काउंट का। हाँ ये तो प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम है ना सर। गुड आफ्टरनून सर। मैंने कहा सर वो गुड टेम्पलेट में ही मार दो, नो डिस्काउंट। अरे बेटा अरे कैसे समझाएं, पेरेंट्स को भी सर समझाना मुश्किल है, तुम बच्चों को तो समझा सकते हैं, मम्मी और पापा को, जिनका तुमको तुम मेरी भावना समझ सकते हो, कभी कभार लगता है कि मम्मी कैसे बात करे, पापा कैसे बात करे, लेकिन वो ही ऐसा हो जाता है, उनको समझाना नामुमकिन है। और फिर मुझे लगता है कि फीस के लिए और ये मगजमारी इतनी, और कभी कभार तो जेन्यून जैसे होता कि जेन्यून है कि चलो ठीक है फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, तो फिर वो दे देते हैं कि चलो ठीक है। जैसे वो एक दो बच्चों को मैंने, जिनको पेरेंट्स नहीं है या फाइनेंशियल खराब है, वो डिजर्व करते हैं, और फिर डिस्काउंट भी देते हैं 1,000 का, 2,000 का। कोई कल की बात बताता हूँ तुमको, मैं परसों की बात बताता हूँ, एक 12th क्लास का बच्चा था, उसकी पेंडिंग फीस की थी 20,000। तो ओह अभी सुनना, वो मेडेटी आए तो बोले मैं तो 15,000 ही पे करूंगा, तो मेरे से तो नहीं बात चल रही थी, तो मेरे पास वो आया कि बोले कि मेरे पास 5,000, मेरे 15,000 पे करने के, मेरे पास नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, तो वो जयदीप सर मेरे पास है कि क्या करना है पंकज सर, मैंने बोला नहीं चलेगा, तो बाहर गए दूसरी जेब में 5,000 डाल के 20,000 दे दिया। अब क्या मतलब समझे इसका, उसके बाद पैसा लेके आया था 20,000। ऐसे फिर मेरे इसके लिए तुमको भी बोलूंगा, टीटीसी था सर। बेटा, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे एक दिन चेक करना कॉलेज की फीस में कैसे डिस्काउंट मांगे, वो एक बार देखना बस। वहां पे माइंड सेट है ना कि होगा वहां पे फीस डिस्काउंट। नहीं होगा, तो कोई आईआईटी सिलेक्ट हो गया फिर मांगे तो पता चले। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कल भी ऐसा किया था एमसीक्यू में, तो डीडीएम 1 का ना, हाँ सर, हाँ सर, इसका आंसर देखो कितने कितने, अपने अपने पास सिग्नल कितने यहाँ पे, सॉरी फ्लैग पांच कितने, फ्लैग। और एक सिग्नल कितने, एक सिग्नल, अब देखो बेटा
ये थोड़ा दो फ्लैग का देखो नहीं टू और मोर है यहाँ पे क्या डाल दिया थोड़ा चेंज सर टू और मोर टू और मोर तो अब केस बनाने पड़ेंगे केस 5-4-3 और 2 टू फ्लैग या कितने फ्लैग तीन फ्लैग तीन फ्लैग फिर आवाज किसकी आएगी बेटा या कितने फ्लैग कर सकते हैं चार या हां देखो बेटा आवाज का फीलिंग है अब दो फ्लैग का मतलब दो कलर का यूज करते हैं बनाने में ठीक है ना सर यहां पे कितने कलर का यूज करके बनाना है बेटा तीन यहां पे वैसे वर्टिकल भी रख सकते हो उसने बोला रो और यहां पे बेटा पांच पांच अब देखो बेटा जब दो फ्लैग का यूज करके बनाएंगे तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है पांच ऑप्शन है पांच तेरे के पास चार फाइव एंड फोर 20 या का क्या होता बेटा प्लस प्लस एंड का मल्टीप्लाई पांच चार तीन कितना आ जाएगा 60 यहाँ पे पांच ऑप्शन है यहाँ पे चार ऑप्शन है फ्लैग को यूज करने के यहाँ पे तीन यहाँ पे दो 120 और इसका भी 120 आएगा पांच चार तीन दो एक कितना हो गया 120 320 तो समझ में आया बेटा ये वाला हाँ सर बस लिटिल बिटल चेंज कर दिया बेटा देखो ये पीएनसी में जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे ना क्योंकि थ्योरी तो अपने को बहुत ईजी लगती है क्योंकि क्या करना है मल्टीप्लाई और क्या करना है एड अभी तक तो फॉर्मूला भी नहीं इवन आने वाले चैप्टर में बिना फॉर्मूले के भी काम हो जाएगा फॉर्मूला पढ़ाएंगे लेकिन फॉर्मूले के बिना भी काम हो जाएगा हो जाएगा बकरानी तू तो आने नहीं वाला था आज सर मैंने वो संडे की टेस्ट का बोला था वो अच्छा ऐसा सैटरडे संडे का कहां जा रहा है बेटा वीकेंड पे सूरत जा रहा हूँ किसकी सूरत देखने नहीं सर ऐसे अंकल के साथ जाना किसके अंकल तेरे होने वाले के पापा के नहीं नहीं लोग उन्हें तो गुस्सा मान जाएगा बोलो बोलो कल इसके मजे लिए थे अरे नहीं सर गुस्सा क्या लगाना इसी बात का भी तो मतलब बेशर्म है मेरे जैसा है अरे अभी अब मजे नहीं लोगे तो क्लास में इंटरेस्ट कैसे रहेगा समझ आया तेरे को लॉजिक तू समझदार पहले था इधर आके हुआ भी सर इसको पार्टी में ले लेते हैं हाँ बेटा मार्मिक मार्मिक और बकरानिया और कौन था बेटा मार्मिक किंचु यार कभी और अपनी साइड नहीं लेता इसका इसको पहले समझा दे एक बार वार्निंग दे दे कि हमारी साइड ही लेनी है हाँ किंचु समझ जा अब तू घर पे आके तेरा नमस्ते पार्टी गोलू मोलू की पार्टी बेटा तीनों के किंचु क्लियर है बेटा बस बस किन चुक भी बकरानी आज से तो हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेता है ये सेठ जी वाले ऐसे लोगों को अपन धोल देंगे ठीक है सर वो लोगों ने ऑपोजिशन पार्टी बनाई है बेटा ऑपोजिशन पार्टी ज्यादा टिकने नहीं वाली है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है उसमें राहुल गांधी है नहीं मेंबर तो बेटा अपनी पार्टी में आना चाहते हैं लेकिन अपन चॉइस अपनी हाई कर रखी है ना ओहो ओहो हाँ बेटा अपने को कितने डिजिट का नंबर बनाना बेटा यहाँ पे फोर बना दी फोर अब देखो रिपीट या रन्ना रन्ना रिपीटेशन नॉट अलाउड अच्छा उसने डिजिट बोला नहीं तो इसका मतलब सारे यूज करने जीरो टू कितने यूज करने बेटा नाइन जब बोला ना उन्हें कि एग्जाम में कितने यूज करने तो वो सारे यूज करें जीरो से लेके कहां तक नाइन अच्छा मुझे बताओ कि ओड प्लेस यहाँ पे कितने ऑप्शन है फिल करने के ओड बनाने तो 5 ऑप्शन है कौन कौन से मैं लिख दूं ब्रैकेट में कौन कौन से 1 3 5 7 9 अच्छा उनमें से यहाँ पे एक चूज कर लिया अभी यहाँ पे कितने बचे ऑप्शन नो 0 2 सॉरी बचेंगे ना देखो बेटा मैं बताता हूँ बेटा मान लो तुमने यहाँ पे 3 फिल कर लिया जस्ट केस लिए यहाँ पे क्या फिल कर लिया 3 तो यहाँ पे 9 वेज बचेंगे कौन कौन से देखो 0 1 2 3 4 6 अबे काउंट करो ना बेटा 9 कितने हुए बेटा 9 क्लियर हुआ 8 नहीं 0 तो यूज कर सकते ना यहाँ पे हाँ सर और उसमें से उन 9 वेज में यहाँ पे एक यूज कर लिया से कुछ भी 4 यूज कर लिया चलो ठीक है अभी यहाँ पे कितने वेज बचे बेटा 8 लेकिन तुम अभी देखो बेटा अभी थोड़ा सवाल ट्रिकी आ गया है थोड़ा आराम से समझ रहा अच्छा यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या बचेगा
जीरो नहीं आ सकता ना, इसलिए जीरो नहीं आ सकता सर। सर ये मुझे गलत लगता है क्योंकि 2160 का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 2520 है जिसमें सात लेना पड़ता है। अरे हाँ सर, आंसर ऑप्शन मत पहले इधर आ जाओ, पहले दिमाग लगाते हैं कि अभी देखो बेटा यहाँ पे जीरो नहीं डाल सकते, यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे, छे। लेकिन कोई एक बच्चा मेरे को जूगल जैसे एक बच्चा बोला कि सर यदि यहाँ जीरो यहाँ पे डालाते कहाँ पे डालाते। अरे हाँ सर ओके, मैं अभी बेटा थोड़ा आराम से समझाता हूँ, नहीं तो तुम्हारे प्रोसेसर क्या हो जाएंगे। मुझे भी अभी स्ट्राइक हुआ। अभी देखो बेटा केस दो चीजें हैं, अभी पहले तो अपने कोई अच्छा क्वेश्चन है, मे बी आंसर बुक के एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ना हो, हो सकता है उसने ज्यादा दिमाग ना लगाया, लेकिन अपन दिमाग लगाते हैं बेटा। एक केस है कि ये वाला, कितने डिजिट का नंबर बनाना बेटा अपने को, चार बक्से बना लिए, पहले लिख लेते हैं चार का। रिपीटेशन अलाउड है नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड। जीरो से लेके नाइन यूज करने हैं और कुछ लिखा नहीं, तो जीरो से नाइन और ओड बनाना है बेटा। यदि ओड बनाना है यहाँ पे तो कितने वेज है, पांच तरीके बेटा। अच्छा अब देखो बेटा, अब तुम कंफ्यूज हो गए, लेकिन तुम यहाँ पे श्योर हो यहाँ जीरो के अलावा कुछ भी डाल सकते हो? हाँ सर। देखो देखो बेटा तुम ना ऐसा नहीं कि इधर से चलना हमेशा, लेकिन जहां जहां पे कंस्ट्रेन है वो पहले फिल कर दो। तुमने बोला सर यहाँ पे जीरो नहीं आएगी, बाकी अब इधर लिख दू, इधर कुछ लिख दू डिजिट अदर देन जीरो, समझ में आया भाई? जीरो नहीं डाल सकते क्योंकि जीरो डालते तो कितना डिजिट का नंबर हो जाएगा बेटा हमारे पास, थ्री डिजिट। अच्छा इसका मतलब किंचुक बोला सर पहले आप इन दोनों को भरो, बाद में इन दोनों बाद में इनका देखेंगे, समझ में आ रहा है? घर में चार मेहमान हैं, दो के नखरे हैं, दो के नखरे नहीं है, तो पहले किनको सेटिस्फाई किया जाएगा? जिनके नखरे हैं उनको। हाँ ये जिंदगी का दस्तूर यही है, इसे नखरे खा लिया करो। चमक गया बेटा? हाँ सर। तो यहाँ पे नखरों इसको भर दिए पांच तरीके से, लेकिन यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मेरे पास इनमें से एक भर के आ चुका है, यहाँ पे इस पोजिशन में अभी कितने बचे हैं? नो देखो सर आठ नहीं बचेंगे। अरे देखो नहीं यहाँ पे बच्चे कितने, फिर जीरो काटेंगे ना। ओके जीरो वन टू थ्री फोर, मान लो सात उधर भर दिया, उधर क्या भर दिया सेवन भर दिया, नहीं तो पांच पांच कंफ्यूज हो जाएगा। इधर सेवन फिल कर दिया, सिक्स एट, यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे बेटा? नो लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे बेटा? आठ। इन दोनों आठ बचे ना, और आठ को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कितने बचे, क्योंकि अभी तुम्हारे दो डिजिट यूज कर ली, तुम्हारे पास काउंटिंग में दस डिजिट थे ना तुम्हारे पास जेब में, तो हाँ सर दो यूज इधर भी आठ ही बचेंगे ना। इधर भी कितने बचे आठ, और इधर कितने बचेंगे? सात। सात तीन यूज कर लिए, तो कितना होगा बेटा 64 इंटू 35 कितना आंसर आएगा? 2240 बेटा एक बार दोबारा सुनो, यहाँ पे कितने प्लेस वाले पर नखरे थे, एक तो यूनिट पे और दूसरा कौन सा? जीरो वाला नखरा, थाउजेंड वाले के दोनों के नखरे थे, तो पहले उन दोनों को फिल कर दिए, बाद में सबको इग्नोर, बाद में जो आया सबको, फिर मैं एक बार और शॉर्ट में समझा देता हूँ क्योंकि बेटा अभी ये गलत कर सकते थे। कितने प्लेस पे कितने डिजिट तक कितने का बनाना है अपने को बेटा? चार का। यहाँ पे ओड आना चाहिए, तो यहाँ पे ओड आना चाहिए, तो यहाँ पे पांच वेज है। हाँ सर। तुमने यहाँ पे एक यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं यूज कर सकते, और यहाँ पे जो एक यूज कर लिया, तो यहाँ पे कितने वेज है तुम्हारे पास? आठ वेज। अभी यहाँ पे भी डिजिट यूज कर लिया, यहाँ पे भी यूज कर लिया, अभी तुम्हारे पास बचे कितने टोटल डिजिट? आठ ही बचे। आठ बचे, क्योंकि तुम्हारे पास डिजिट दस होते हैं, जीरो वन टू थ्री से काउंट करके, और यहाँ पे कितने बच्चे? सात। तो ये एल्गोरिथम तुमको क्रिएट करनी पड़ेगी, तो कितना आंसर आ गया? 2240 समझ में आया बेटा? सर। बेटा अगला देखो डीडीएम का ही क्वेश्चन है, मैं इसलिए बहुत सारे एमसीक्यू कराऊंगा थ्योरी में, क्योंकि ये तुलसी तेरे आंगन के तुमने सुना है सीरियल कहीं आता था सर? विद्या तुमने ये सीरियल देखती थी बेटा? नहीं सर, बहुत छोटी थी। बेटा अलीशा को हाय नहीं बोला किंशिप ने, सॉरी मार्मिक ने। हेलो अलीशा, बेटा बाप खा रही तू आज? मर गई क्या? और अभी आपने बोला ना वो फॉलो कर रहे होंगे। ओ ऐसा है,
अलीशा तुमको हमारी पार्टी में आना बेटा, ज्वाइन करनी देख हमारी पार्टी में, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्मिक है। बेटा तुलसी में कितने लेटर्स हैं? पांच। अच्छा इन इन पांच अल्फाबेट का यूज करके अपन को वर्ड बनाना और सारे यूज करने हैं। देखो बेटा यूजिंग ऑल लिखा है, इसका मतलब पांचों के पांचों यूज करने हैं। और राय या रना? रना। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रा नहीं रना। पांच का बनवानू छे, एक बे त्रन चार पांच, ये इजी छे। यहाँ पे ऑप्शन भरने के कितने वेज है तुम्हारे पास? पांच, कोई भी भर दो तुलसी में, भर दो। यहाँ पे चार, चार, त्रन, दो, ये पांच ही लेटर यूज करने हैं बस। तो कितने वेज हो गए? 120। तो ये तो मुझे लगता है जिसने ट्राई किया होगा उनसे हो गया होगा, जिन्होंने ट्राई किया होगा हो गया सर। बेटा तुलसी तो मेरे आंगन के भी भावुक हो गई है अभी, तुलसी अपने नखरे दिखा रही है। जो नखरे दिखा रही, अब देखो बेटा जो नखरे दिखा रही उसको पहले अपन सेटिस्फाई कर दे। हाँ बेटा क्योंकि मेहमान है ना, कौन है जो मेरे साथ की मेहमान कब जाए ऐसे वेट करते हैं सब। हाँ सर हमारी प्राइवेसी छिन जाती है ना कभी बार तो। संडे को आते हैं ना उसमें परेशानी होती है। हाँ वही ना, और संडे को ही आते हैं, सादे दिन को आए तो भले आए यार चले जाते हैं फिर। और संडे सादे दिन को दर्शन बोले जाए क्लास है बाद में। अब यार हम रूम में बैठे होते वो कर रहे हैं अपना, और कहीं तो चिक 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 वाले होते हैं, कहीं तो फिर भी सीधे होते हैं इधर, कई कई ऐसे होते हैं जो 7 बजे ही आते हैं खाने के टाइम पे। बेटा देखो तुलसी में इसने चिक चिक कर दी, स्टार्ट कहां से करना है? मतलब तुलसी का यूलसी बना दे, सिल्लू बना दे, तुलसी बना दे, सब बना सकते हो ना ऐसे, सिल्लू लीसु ऐसे, अलीसु नहीं ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन टी यहाँ पे फिक्स कर दिया, टी यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब रिपीटेशन अलाउड है नॉट अलाउड है ये लिखा होना चाहिए, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड ही होगा। अभी यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे तुम्हारे पास? टी फिक्स हो गया चार, यहाँ पे तीन, यहाँ पे कितने बेटा? दो, 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 एक, कितने लेटर बन सकते हैं? 24। तो तुलसी तुलसी में यदि टी से स्टार्ट करने हैं ऐसे कितने बना दो? 20 पर बना सकते हैं, उसली लीसु सिल्लु ऐसे सारे फूली अरे बना सकते हैं सर। हाँ बेटा मतलब इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया कि मतलब रिपीटेशन, तो वो कैसे हम पता कर मतलब समझ पाएंगे? देख रिपीटेशन माले अलाउड करते हैं चलो, नहीं लिखा पेपर में तो क्या करेगा, यहाँ पे पांच डाल सकता है, यहाँ पे पांच, यहाँ पे पांच और यहाँ पे भी पांच, तो कितना आंसर आ जाएगा? 625। मेरे हिसाब से मेंशन करना चाहिए आंसर कौन सा है, बी ए डी है बी बी, तो उस जितने भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, चार चार होंगे ना, पर टी तो डाल ही सकते ना, यूज यहाँ पे टी तो डाल ही सकते ना बेटा, पर अगर पहला टी होगा तो पहले वाले में तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, तो नहीं पहले वाले में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकी तो पांच पांच है ना सब में। हाँ। इसलिए तो मैं इसको वन ही पॉसिबिलिटी, टी को इनटू वन ही काउंट किया मैंने। देखो यदि मैं फिर बोल रहा हूँ यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 24। अलाउड है तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 625। तो मतलब मेंशन होगा ना हर बार, तो पेपर में मेंशन होगा, लेकिन नहीं है तो तुम दोनों टिक आके आ जाओ। तो मैम और भी खुश हो जाएंगे या सर खुश हो जाएंगे कि देखो बच्चों को कितना अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अभी तो तुलसी के भाव बढ़ रहे हैं, वो कहां से स्टार्ट करना चाहती है? किसी भी लेटर से, एंड आई से करने हैं, सेम आएगा अभी इसमें भी वही सर। 24। अब ये बेवकूफ निकली गेस्ट। ये आई फिक्स कर दिया है वन वे से, यहाँ पे कुछ भी डालते जाओ अभी, चार तीन दो एक, तो 24। ये कब 24 आ गया जब रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वाओ समझ गया बेटा तुलसी का सारा। यस यस सर। तुलसी के बाद बेटा आते हैं नंबर्स पे।
ये डीडीएम बेटा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे फिर बोर्ड जब जेई का कराऊंगा ना तो फिर तुमको थोड़ा इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। और ये चैप्टर में हमको लगता है कि कभी एक बार कभी छोटी गलती होने के स्कोप है, चाहे कितना भी क्वेश्चन आता हो। अब क्या लिखा हुआ है, देयर आर कितने, 3 डिजिट नंबर है जिसके मल्टीपल्स कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है, 3 डिजिट का चाहिए। रा या रन्ना? अच्छा 5 का मल्टीपल चाहिए, तो बेटा क्या करना चाहिए अपने को बेटा? 0, 5 या 0। अभी दिमाग लगाना है, अभी बेटा इस केस में दिमाग लगाना है। देखो क्या दिमाग लगाना है, यदि तुमको 5 का मल्टीपल चाहिए, यदि तुमने यहाँ 0 भर दिया, तो यदि यहाँ 0 भर दिया तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट, रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड। आराम से देखना बेटा, केस मैं क्या लिख रहा हूँ, केस 1 यूनिट प्लेस पे क्या डाल दिया, 0 0 0। केस 2 डालता या केस 2 यूनिट प्लेस क्या, 5 5। इन दोनों को बेटर मैटर है ऐसा, अभी तो क्यों ऐसा, क्यों डिफरेंस क्यों हो रहा है वो देखना जरूरी है। ऐसे हम बावले होकर क्वेश्चन करेंगे ना तो कुछ सीख नहीं पाएंगे बेटा। यदि यहाँ तुमने 5 फिल कर दिया, अब देखो यदि यहाँ तुमने 5 फिल कर दी, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना ऑप्शन बेटा रहे फिल करने के इस प्लेस पे, यहाँ तो एक तरीके से एक ही वे है क्योंकि 0 फिल कर दिया। यहाँ पे अभी कितने बचे, 9 बचे, 9 9। और यहाँ पे कितने बचे, 8 8। तो टोटल कितने वेज हो गए, 72 72। या अभी तुमने यहाँ 5 फिल कर दिया, ये वो तो एक ही वेज है ना, 5 एक ही वेज पर, अभी यहाँ पे कितने बचे, 9 8 8 बचे सर। लेकिन नहीं, लेकिन लेकिन तुम इसके नखरे पूरे कर दो पहले, किसके वाले, यहाँ पे यहाँ 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितने बचे, 8 8 क्यों बचे, क्योंकि यहाँ पे 5 पीछे डल गया और यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 5 तो यहाँ पे भर के आ गए और 0 नहीं आ सकता। अभी यहाँ पे कितने डिजिट यूज कर लिए अपने पास, 2 2। यहाँ पे कितने बचे, 8 8। यहाँ पे ये नखरे पूरे नहीं किए तो गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, देखो फिर ध्यान रखना ये, और प्लस है तो कितना आंसर आ जाएगा, 136। हाँ बेटा सर, मतलब इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो मैंने एपी से पहले ट्राई किया तो उसमें टीएन का फॉर्मूला लगाया तो उससे तो 180 गलत आ रहा है। तो लेकिन बेटा एपी मतलब सारे, इसमें तो क्या सारे डिजिट के यूज करने हैं, वो तो सोचा एपी में 3 डिजिट का नंबर यूज कर रहा है ना, तो वो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है। हेलो सर, 995 तो उसमें आ जाएगा, एन आ गया 995, और उसमें रिपीटेशन होंगे ना। अभी बेटा देख तू 995 है तो अभी उसमें रिपीटेशन भी अलाउड है, 2 बार नो यूज हो चुका है उसमें, 550 2 बार यूज हो चुका है। अरे हाँ बकरा नहीं है जी, समझ में आया बेटा? हाँ सर। बेटा अभी समझ में आया, अब तुम ये अब देखो इस सवाल से अपने को सीखना क्या है, जब भी लास्ट प्लेस पे 0 का कंफ्यूजन होगी, 0 और 5 दोनों आ सकते हैं, तो अपने को केस बनाने पड़ेंगे सर। या बट 0 को हल्के में ले सकते हैं, और जिसके नखरे पहले उसको फिल करो, बाद में बाकियों को देखने का है। बेटा देखो अगली मैंने क्वेश्चन डाला गुजरात की गाड़ी का, बेटा किसी ने ट्राई भी किए नहीं कि ऐसे बताना, ट्राई किया सर, अभी गया आंसर सर, आपने मैसेज सर नहीं यार, सर नहीं है सर, ट्राई किया बहुत अच्छा, तो मेरा 10 लाख आ रहा था। बेटा देखो जीजे है, और उसके बाद क्या बोला गाड़ी में, जीजे तो फिक्स कर दिया, एक्स में जो है कितने डिजिट नंबर डाल सकते हैं, 1 से लेके कहां तक, 9 तक। और ए ए इज एच एंड ए में ए की जगह क्या नाम वाला है बेटा, एच, और एंड बी बी में फिर कुछ भी अल्फाबेट डाल सकते हैं, कहां से कहां तक बेटा, ए टू जी 26 बी इज एन ए टू A to Z ना, कुछ भी डाल सकते हैं ना, B is any one of the alphabet in English and A B C D, जो ये A B C D है कौन सा, अच्छा मैं इधर डाल देता हूँ, रुको इधर मैं कंडीशन डाल देता हूँ, ये B है G J 10, चलो पहले नंबर लिख लेते हैं एक बार तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, G J X
ए बी और ये क्या है ए बी सी और डी ये चीजें तो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं. एक्स में क्या है एक वन से लेके कहां तक ऑप्शन नाइन तक और ए में क्या है ए में फिक्स कर दिया कितना एच. बी में अल्फाबेट है एट से लेके कहां तक चलेगा डेड तक और ए बी सी डी ए बी सी में कितने डिजिट नंबर है बेटा अपने पास फोर डिजिट ए कैन बी जीरो गाड़ी का नंबर देखना तुम जीरो 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 वाला ऐसा वो देखना पड़ेगा अभी ये ए बी सी और ए कैन बी जीरो क्योंकि गाड़ी का नंबर वो वाला भी होता था ना चार जीरो ये चार अभी देखे बेटा डिस्कस करें एक बार इसमें बस थोड़ा एक कॉमन सेंस एक जगह में चाहिए रहेगा बाकी सब यहाँ पे ये वाला जो एक्स प्लेस है मतलब जो एक्स नंबर है जैसे अपनी तो वहां पे कितने ऑप्शन अपने पास अभी नाइन नाइन यहाँ तक क्लियर है तो ये जीजे भरने का भी एक तरीका जीजे तो एक तरीके से लिखा जाएगा एच एच यहाँ पे फिक्स कर दिया वो एच ए सीरीज ये सीरीज चालू करना ए से डेट तक कितने कितने आ जाएंगे ऑप्शन बेटा 26 आ जाएंगे बेटा. देखो मार तुम यही खाने वाले हो कभी गाड़ी का नंबर देखा चार जीरो कभी गाड़ी का नंबर देखा चार जीरो नहीं सर. तो गाड़ी का नंबर स्टार्टिंग कहां से होती है कॉमन सेंस से वन से ना वन. कभी ऐसा देखा कि कोई कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी हो या कोई भी हो चार जीरो वाली गाड़ी ली है मैंने. तो देखो यहाँ पे कितने तरीकों से फिल कर सकते थे ये भी दस तरीकों से 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 तो टोटल कितने नंबर बना सकते थे 10,000. लेकिन 10,000 में से अपने को एक माइनस करना पड़ेगा वो माइनस कौन सा करना पड़ेगा चार जीरो वाला जिसमें चारों जीरो आ गई है. समझ में ना ये नंबर चलेगा ये नंबर भी चलेगा जिसमें तीन जीरो चल रही है लेकिन चारों जीरो नहीं चलेंगी. देखो 10,000 नंबर बन सकते हैं इन चार लेटर के लेकिन अपने को कौन सा चाहिए एक माइनस करना पड़ेगा कौन से वाला जीरो 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 वाला. वो कितने आ देंगे नाइन चार बार नाइन. अब मल्टीप्लाई करो शायद तो ऑप्शन मैच कर कैलकुलेटर तो करो डी वाला ये आ रहा है. लॉजिक समझ में आ रहा बेटा. अब बेटा देखो जीजे को तो एक ही तरीकों से फिल कर सकते हो वो फिक्स कर दिया इसको भी फिक्स कर दिया ये एक्स या तुम वन से नाइन भर सकते हो तो इसके लिए नौ ऑप्शन डाल दिए. बी में अल्फाबेट डालना है तो बी में अल्फाबेट अपन ने क्या टचमका दिया बेटा 26 अल्फाबेट डाल दिए. तो थोड़ा थोड़ा से भागम दौड़ी मत करना चमक रहा है तो अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करके दिखाओ पहले मैं किसी पीडीएफ को भेज दूंगा पर मैं डीडी में इसकी करवाने वाला हूँ क्योंकि इससे चैप्टर मेरे को ये चैप्टर ना 11 में सबसे डर लगता था क्योंकि ऐसे समझने में तो समझ में आ जाता है लेकिन खुद नया क्वेश्चन करने बैठे तो गलत होता ही. सर एक मिनट करो ना वापस कोरोना बेटा कोरोना वो सर वो बेटा जामनगर में तो अभी भैया क्या हो रहा है कोरोना को यार. चलो तुम ट्राई मारो बेटा कोई भी फॉर्मूला ट्राई मार बेटा हो जाएगा तेरे से गलत चलेगा गलत अपने को कोई वांदे नहीं है. लास्ट डिजिट क्या चाहिए बेटा अपने को जीरो जीरो. सोच सोच अभी रिपीटेशन अलाउड है नहीं होना चाहिए क्योंकि 99 से 1000 के बीच में नंबर आएंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउ होगा नहीं होगा चाहिए होगा ही ना होगा ना 111 110 ले लो 12 हाँ 113 उसके आगे नहीं बोल पा मैं मैं भी रुक गए. अच्छा रुक गए नहीं तो कई तो भावुक हो जाते हैं वो कल मैंने बोला था ना नंबर 67 के बाद बावले हो जाते थे 67 एक 67 में बावले मतलब ऐसे नंबर में बावले 56 में बावले हो जाते हैं ना कि तुम्हारी एज है जवानी की लेकिन कंट्रोल नहीं करते तुम. बेटा इसका मतलब है कि कितने डिजिट का नंबर बनेगा बेटा
तीन डिजिट बोला कि मेरे को तो जीरो डालना है, मतलब कितने बेस है वो, तो एक ही बेस आएगा दस और दो। अच्छा फिर इसके भी नखरे हैं क्योंकि 99 से 1000 के बीच में चाहिए तो 100 से स्टार्ट हो, नहीं कुछ भी डाल सकते लेकिन यहाँ जीरो नहीं डाल सकते। जीरो वैसे भी डाल चुके, जीरो पीछे डाल चुके वैसे भी। अब यहाँ पे कितने बचे, दस ना यहाँ पे क्योंकि रिपीटेशन लाउड है ना, क्योंकि तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 90। हाँ सर आ गया आंसर, इसमें बाद वाला भी सेम ही है, इसमें नेक्स्ट में भी 90 आ रहा है। हाँ सर बेटा किंचू के तो नामुमकिन है मेरे शो के सबसे हो जाने चाहिए। नहीं नहीं ऐसे ये वाला तो गलत अंडरएस्टिमेट कर रहा है, ये तो कोई बच्चा यदि ये भी सोचता ना, जैसे कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसे बैठ जाता है, मेरे को भी ऐसा लगता था मैं जब पढ़ता था कि ये तो इंटेलिजेंट है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसका। अरे नहीं सर मैं बोल रहा, मैं दूसरों को मोटिवेट कर रहा हूँ। नहीं ऐसा ऐसा मोटिवेट भी नहीं कर जाएगा। चलो ये वाला ट्राई मारो नाइन्थ बेटा, बेटा लुक अच्छा दिया ना मैंने, बेटा फिर भी लुक तो अच्छा दिया ना मैंने, लुक का देखो जीरो की जगह वो फाइव होगा, वो एक वे होगा इसमें तो प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस वो भी मैंने बोर्ड वाली प्रैक्टिस डाली, कोई जेईई वाली प्रैक्टिस अभी डाली नहीं है सर। एक डाउट है। हाँ बेटा सर ये फाइ एक बार यूज हो गए तो वापस यूज कर रहे हैं तो। अरे बेटा वही तो समझा रहे हैं, सुन मेरी बात, 99 में नंबर ऐसे भी आएंगे ना, जैसे 121 इसमें दो बार एक आ गया ना। हाँ हाँ तो अभी लिखा नहीं तो लेकिन सोचना पड़ेगा कि कॉमन सेंस से रिपीटेशन अलाउड होना चाहिए या नहीं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें बेटा। हाँ सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, फिर भी मैं बोर्ड के लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ। बेटा ये मैं लुक दे रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है लुक दे रहा हूँ। हाँ हैंडसम लग रहा है। थैंक यू बेटा। बेटा अब मुझे बताया जाए कि किस 99,000 के डिजिटल वाइज किससे होने चाहिए बेटा। यहाँ पे तो अभी लगने वाली लग रहा है बेटा सर, सर प्योरली एपी से हो जाएगा ये तो बहुत ही सर हो गया एपी सर। एपी से करना है लास्ट में वो 0, 2, 4, 6, 8 प्लेस करेंगे। 0, 2 नहीं इसमें भी दो केस डिविजिबल बाय 4 लास्ट। किंचुक बता कि एपी से कैसे करें बेटा। सर पहला हमारे पास डिविजिबल होगा 100 तुम क्या पी के आए हो सस्ते नशे। अच्छा पीएनसी से कोई कर रहे, अच्छा पीएनसी से कोई दिमाग लगाएगा, चार बहुत लंबा है, चार केस बनेंगे। अच्छा मैं नहीं, मैं तुमको केस बनाना सिखाता हूँ। देखो बेटा पीएनसी से ना जब डब्बी करते ना चार वाला, जेई में तो ऐसे ही गंदे गंदे सवाल आएंगे, ये तो फिर भी तुमने कर दिया, लेकिन अब देखो बेटा पीएनसी से चार से डिविजिबल का केस थोड़ा टफ है, लेकिन समझाऊं कैसे करने का। चार से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट के दो डिजिट किससे डिविजिबल हो, फोर से। अरे तो चार से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट के दो डिजिट किससे डिविजिबल हो बेटा, फोर से। फोर अब इसमें ना चार से डिविजिबल होने तुम्हारा दिमाग चमकना चाहिए, मैंने फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस पे ना, देखो मैंने अलग कर दिया 0, 4, 8 डाल दिया यूनिट प्लेस पे, क्या डाल दिया 0, 4 और 8। देखो ऐसे अपने को तीन डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 0, 4 और 8 में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं, या तो 0 आएगा 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी चलेगा। देखो कैसे 0, 0 भी चलेगा, वो भी चार से डिविजिबल है,
04 चलेगा वो भी 08 20 24 28 40 44 48 60 64 68 सारे के सारे किसी भी जीरो वाले बेटा 4 से 4 से तो कभी भी अभी टफ वाले सवाल भी आएंगे लेकिन वो जेई की बात अभी बोर्ड की बात समझ रहे हैं अपने को किससे डिविजिबल चाहिए 4 से 4 तुम ऐसे केस बनाओगे यूनिट प्लेस पे या तो क्या आएगा 04 और 8 8 तो फिर 10 प्लेस पे कुछ भी चलेगा 0 2 4 6 और 8 में तो कुछ भी चलेगा ठीक है अच्छा लेकिन अपन क्या करेंगे या अभी या आने वाला है केस 2 जब यूनिट प्लेस पे बेटा मैं पता क्या डाल रहा हूं 2 और 6 डाल रहा हूं यूनिट प्लेस क्या डाल रहा हूं 2 और 6 ये फिक्स पैटर्न है 4 से डिविजिबल का 2 और 6 डाल दिया तो यहां पे अभी क्या क्या डाल सकता हूं बेटा 1 3 5 7 9 यहाँ पे क्या डाल सकते हो 1 3 5 7 और 9 तो देखो अब तुमको कैटेगरी वाइज समझ में आ रहा है कि कैसे क्या कर रहे अपन yes, अभी देखो यहाँ पे अभी कितने ऑप्शन है रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है यहाँ पे कितने ऑप्शन है 5 यहाँ पे कितना है बेटा 0 नहीं डाल सकते ना यहाँ पे 0 तो बेटा मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ जिन बच्चों ने ये डीडीएम ट्राई ऐसा मत सुनो कि स्कूल का सिलेबस खत्म करना सर चैप्टर दौड़ाओ पीएनसी मुझे तो मेरा पक्का सवाल गलत होता था यदि देखा ना हुआ होता था तो देखा हुआ था तो पक्का सही हो जा। तो मैं दिखने में लगता है कि हमारे आंसर तो इसके लिए ना तुम पहले डीडीएम वाइज प्रैक्टिस कर लो और जेई में भी तुमको बहुत हेल्पफुल मिलेगा क्योंकि बोर्ड की डीडीएम एक बार कर लो और उसमें मैंने कम अभी कितने क्वेश्चन पेंडिंग है बेटा अपने तो उसमें 18 है सर मोर देन है और सब इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इससे ज्यादा तुम कोई भी आरडी वारडी करने की जरूरत नहीं है 7.2 करेंगे तो उसके भी तुमको मिल जाएगा तो इस चैप्टर में अपने को थोड़ा हार्डवर्क संघर्ष करना है लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है मैं पीडीएफ भेजूं तो चलेगा या बिना रहेगा चलेगा तब भी भेज दो सर और प्लीज डीडीएम सॉल्व करो क्योंकि पीएनसी में ऐसा स्कोरिंग है कभी भी तुमको अगले साल 12th में भी टेंशन नहीं होगी कि तुमको कोई फॉर्मूला याद करना है कल ये पूरी कर लाओगे ट्राई सब लोग मैं 2 बार रिमाइंड फिर भी दिलाऊंगा और ऐसे बोलूंगा वरना ठीक है लेकिन तुम डरने वाले नहीं देख लेना कभी गुस्सा आए ना माटी में आ जाओ ठीक है तो बेटा मिलते हैं थैंक यू फॉर द कक्षा बाय सर थैंक यू बाय सर टन 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 तारा चलती है क्या नो से हां सर कोई भी सर बहुत हार्ड लगा बट सर वो तो ट्राई हुए आंसर तो सर ट्राई तो की है सर लंबी मेथड हूं बेटा थोड़ा शॉर्ट बता देना होमवर्क होने के लिए नहीं होता ना होमवर्क ट्राई करने के लिए होता बस ये ट्राई किया और 10th क्लास के होमवर्क हो जाते थे ये सब ध्यान रखना 11th क्लास के होमवर्क ट्राई करने हैं होंगे नहीं अभी होंगे सर वेरिएबल आके निचले सर वो तो काय वांदो नहीं बेटा आपानो जो डरवानो नथी डर है लेकिन तुम ट्राई करने गूगल नहीं करना बस गूगल करो तुम उसकी क्वेश्चन की डैश डैश 1 मिनट में कर देते हो चलो बेटा जाते रहो नहीं तो मैं तो दूसरी क्लास के लिए बुलाना स्टार्ट कर रहा हूँ बाय 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 सर